वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ। आज हम फिर से बात करने वाले हैं उन 10 शेयर्स के बारे में जिसने 2016 से लेकर 2019 नवंबर में हमारा पैसा ऑलमोस्ट जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमें जो एक एवरेज रिटर्न दिया है 130% लास्ट 3 ईयर्स में रिटर्न दिया 2016 से लेकर 2019 में। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 2019 से लेकर 2020 में हमने अपना पैसा, हमने अपनी कैपिटल 188% से ग्रो करी थी। इस 2016 से 2019 मीन्स 3 ईयर्स में हमने अपनी कैपिटल 130% से ग्रो करी है। अब ये वो कौन से 10 शेयर्स हैं, इसमें भी हमने वही क्राइटेरिया यूज़ करा है जो लास्ट वीडियो में यूज़ करा था। हमने अपना रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स, फिर आता है रिटर्न ऑन नेटवर्क, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स। सेल्स में हमने जो लिया है वो CAGR 3 ईयर और 5 ईयर कंसिडर करा है। तो कैसे इस 2016 और 2019 नवंबर में भी मार्केट ने आपका पैसा 1 लाख से 2 लाख 30 हजार में कन्वर्ट करा है, मीन्स आपकी कैपिटल 1 लाख टू 2 लाख 30 हजार में कन्वर्ट करी है। ये भी स्टॉक्स हमने उन 5000 स्टॉक्स, या आप कह सकते हैं उन 5000 स्टॉक्स में से मैंने 100 स्टॉक्स की एक लिस्ट को फिल्टर आउट करा है, और उस 100 में से मैंने एक रैंडम 10 स्टॉक्स को चूज करा है जिसने आपकी कैपिटल को 130% से ग्रो करने में हेल्प करी है विद इन द स्पैन ऑफ 3 ईयर्स। अब ये वो कौन से 10 स्टॉक्स हैं, ये वो फेमस स्टॉक्स है जो ऑलमोस्ट हर एक इन्वेस्टर्स, या जिसको भी एक बेसिक नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, वो सब जानते हैं। पहला स्टॉक है L&T, जिसको हम जानते हैं लार्सन एंड टर्बो के नाम से। सेकंड स्टॉक है हमारा TCS, थर्ड HDFC बैंक जो आपको स्क्रीन पे शो रहा है, देन आपका मुथूट फाइनेंस, फिर आपका एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, पिडिलाइट, रिलैक्सो, ग्रिंडवेल, बजाज फाइनेंस एंड एशियन पेंट्स। हमने वही क्राइटेरिया यूज करा है कि आपने अगर 10,000 इन्वेस्ट करे होते 2016 नवंबर में और आपने एग्जिट करा होता 2019 नवंबर में, उस पर्टिकुलर स्टॉक में आपने 10,000 इन्वेस्ट करे होते, तो हमें ऑन एन एवरेज जैसा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको 130% का रिटर्न मिलता। जो हमने चेक करा था 2019 टू 2022 में, वहां पे भी हमारा पैसा डबल हुआ था। अब मैं उसको डबल नहीं कहूंगा, मैं उसको बल्कि ट्रिपल कहूंगा, क्योंकि वहां पे हमें 188% का रिटर्न मिला था और यहाँ पे हमें 130% का रिटर्न मिला है। अल्टीमेटली मैं आपको एक ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, अगर आप सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट 10 स्टॉक्स में भी करते हैं और उन स्टॉक्स में करते हैं जिनका एक क्राइटेरिया, जो भी मैंने क्राइटेरिया समझाया वो मेरे अकॉर्डिंग है, आप अपना क्राइटेरिया कुछ भी सेट कर सकते हैं। आप अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने 20% सेट करा, आप 25% कर सकते हैं। अब मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% सेट करा, आप 25% सेट कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो चेंज कर सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपकी कंपनीज चेंज होंगी। तो और ये भी कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि आपको 10 स्टॉक्स ही लेने हैं, आप 8 स्टॉक्स, 12 स्टॉक्स में ही भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना कैपिटल ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे हमें 2016 से 2019 में हमें ये समझ आया कि हमारा कैपिटल, हम अपने आप, हम नहीं, हम भी कह सकते हैं, आप मार्केट भी कह सकते हो कि मार्केट ने डबल करा है। हमने 2019 और 2022 में भी समझा था। आगे मैं आपको फर्दर वीडियोस में दिखाऊंगा 2001 से लेके अगर हम 2016 तक, और मैं ये कह सकता हूँ विद इन अ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स हर बार मार्केट ने आपका पैसा आपको डबल करके दिया विदाउट एनी रिस्क। हाँ, यहाँ पे रिस्क की बात आती है तो आप अपने पोर्टफोलियो में, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आप अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम मैक्सिमम अगर वहाँ, ये एक साइंटिफिकली प्रूव है, आप काफी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 25 स्टॉक्स ही रखने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखने चाहिए। तो अब हम फर्दर अपनी नेक्स्ट वीडियोज में ये समझने की कोशिश करेंगे, अगर हमने 2001 से देखा होता, 2001 से 2004, फिर देन 2004 से लेकर 2007, हर 3 साल में हमने अपना पैसा किस तरीके से इस मार्केट से 150%, 200% या 250% से हमने अपने कैपिटल पे ग्रोथ ली होती, वो हम आगे नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में देखेंगे।